जमीयत का कारकुन है, जमीयत का अमीर है, उसने अपनी सारी जवानी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कुर्बान की, हत्ता के सन 2016 या 17 तक वो इमरान खान साहब की हुकूमत में भी डीएफओ रहे, और जहां जहां उनसे काम नहीं होता था पीटीआई वाले उनको वहां वहां ले जाते थे कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, आप ये काम हमें करके दिखाएं। और बाकायदा इमरान खान साहब ने इनके हक में एक ट्वीट की है उस जमाने में कि ये अफसर जो है इसने एक हमारे लिए जबरदस्त किरदार अदा किया है, ये जो इनका सुनामी प्रोग्राम था। तो इसका मतलब है कि ये कार्रवाई करप्शन पर नहीं है, ये सियासी कार्रवाई है। हम तो पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान इनके हवाले करने को तो तैयार नहीं है। ये तो सुन ले, आप पाकिस्तान को अगर तोड़ना भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान को टूटने भी नहीं देंगे। और अगर आप कहें कि हम बंदूक उठा लें, हम इंशाल्लाह बंदूक भी नहीं उठा, हम आपका इसी मैदान में, जमहूरी मैदान में, सड़कों में, पार्लियामेंट में, सियासी जमातों के साथ मिलकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की जुर्रत की सियासत में इंशाल्लाह इस तहरीक को, ये जो आज हमें मौका दिया गया, क्योंकि हमारे साथियों के खिलाफ पर्चे काटेगा और हमें मौका दिया गया कि ये आगाज यहाँ से हो जाए, बेशक एक दिन के नोटिस पे हुआ, यहाँ से हम आगाज कर दें, ये हमारे लिए सआदत की बात है। 20 साल हमने अपने मजहबी नौजवान को वापस लाने में लगाए, उनको वापस वोट की पर्ची पर लगाया है, उनसे बंदूक छीनी है और उसमें इदारों की भी लोगों की कुर्बानी है, लेकिन इसमें जमीयत उलमा की भी कुर्बानी है कि उसने अपने मजहबी नौजवान को समझाने में उसके हाथ से बंदूक हटा के उसको वोट की पर्ची तबाही है, तो उसके अगर सिरे इस किस्म के मिलेंगे तो बेटा का कानून में इश्तियाल पैदा होगा और उसका रिएक्शन आपको आएगा।